मान्यवर गुस्से क्यों हो रहे हैं? मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा टीएमसी को कुछ कहा। केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी भिन्न सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं। मान्यवर, और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से स्पष्ट, मान्यवर, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी में डर है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी में कोई डर की भावना नहीं है। है तो भी आपके वक्तव्य से थोड़ा बहुत खड़ा भी हुआ होगा तो मैं मेरे सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री प्रॉब्लम है क्या? आपको पानी सुना से प्लीज बैठिए प्लीज। मान्यवर, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश में किसी भी धर्म के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सबको सुरक्षा और सबको समानता सम्मान अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है। मान्यवर, इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं। आज अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर भाषण किया, उन्होंने, मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा नहीं, मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार, इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोला। अंकिम बाबू, टागोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करी थी। आप तो दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाएं, बैठ जाओ। नौ प्लीज। मान्यवर, मान्यवर गुस्से क्यों हो रहे हैं? मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा टीएमसी को कुछ कहा। मान्यवर, मैंने तो टीएमसी को कुछ कहा ही नहीं। मैं माननीय सदस्य, प्लीज 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 दादा प्लीज प्लीज प्लीज। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी भिन्न सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी भिन्न सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं। मान्यवर, उन्होंने कहा कि ये तीन देशों को ही क्यों ले रहे हैं, चीन को क्यों नहीं ले रहे, नेपाल को क्यों नहीं रहे, आप लंका को क्यों नहीं ले रहे, म्यांमार को क्यों नहीं ले रहे। मान्यवर, मैंने पहले भी कहा कि हर बार नागरिकता पर जब जब भी इस देश में निर्णय हुआ, कोई एक निश्चित परिस्थिति के आधार पर निश्चित प्रकार के समस्या को हल करने के लिए निर्णय हुआ। ये अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटी आई है, इसके लिए निर्णय है, इसलिए किसी के साथ उसका सवाल नहीं है।